तो फ्रेंड्स हेलो, ये देखिए आज सुबह से ही धूप निकल आई है और मैं नहा के आ गई छत पर। तो आज मुझको नहाना था और बाल भी धुल रहे थे, बहुत दिनों से गंदे भी हो रहे थे, लेकिन ठंड अभी भी है, गलन काफ़ी है। लेकिन क्या कर सकते हैं कि इतने दिनों से बाल भी नहीं धुले थे, तबीयत भी खराब थी तो बाल भी काफ़ी गंदे हो रहे थे, तो धुल रहे थे। तो अभी हो रहा है बहुत ठंडा मौसम, लेकिन धूप काफ़ी अच्छी आज देख रहे हैं आप, चारों तरफ से देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर कितनी अच्छी धूप हो रही है। आज सुबह ही सुबह सूर्य भगवान ने दर्शन दे दिए और मैं आई थी अपने कपड़े फैलाने के लिए, और यहाँ पर बहुत तेज़ हवा, ठंडी हवा भी चल रही है और काफ़ी गलन भी लग रही है यहाँ पर। तो अभी सुबह ऐसा ही है, और लेकिन आज धूप देख के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ काफ़ी दिनों बाद धूप अच्छे से निकली, क्योंकि 2-3 तारीख से ऐसा ही हो रहा है, 2-3 जनवरी के बाद से तो अच्छे से धूप भी नहीं निकल रही है और बहुत ही मौसम ख़राब हो रहा था। और पेड़ पौधे तो देखिए पत्तियां कैसी हो रही हैं सबकी, क्योंकि ये कोहरे और वो पाला पड़ता है उससे सब हो गए ऐसे काले काले, पत्तियां समझ में आ रही हैं। लेकिन अब देखते हैं, सूर्य आज सुबह से ही धूप निकल रही है तो शाम तक कुछ मतलब इनको भी फ़ायदा ही होगा, अच्छे ही हो जाएंगे पौधे। और टमाटर में मेरे टमाटर लगे हुए हैं, अभी पके नहीं है एक भी टमाटर। और लेकिन आज धूप सुबह देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी मुझे छत पर बहुत तेज़ ठंड लग रही है, और लेकिन धूप को देख के बस ऐसा राहत मिल रही है। तो चलिए अब फैला लेती हूँ मैं यहाँ कपड़े। तो फ्रेंड्स अब मैं फैला लेती हूँ कपड़े यहाँ पर। तो आज बहुत अच्छी सी धूप निकली है और मैंने नहाया भी है, बाल बाल धुल लिए इसीलिए, और सारे कपड़े सूख भी जाएंगे। और कपड़े तो वैसे भी सूख जाते हैं, मशीन में ड्राई कर देती तो हवा में ही सूख जाते हैं, लेकिन जो धूप निकलती है उसकी तो बात ही खैर अलग लगती है। और इतना अच्छा लग रहा था छत पर, तो आप भी देख सकते हैं कि पेड़ के ऊपर जो धूप पड़ रही है कितना अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और मुझको बनाने आलू के पराठे, तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो मैंने तैयारी सारी कर ली थी, आलू बॉयल करके रख लिया था और आटा भी गूंद लिया था, तो यहाँ सेक रही मैं पराठा। और इवराज बोल रहे थे कि मम्मी आलू के पराठे बनाओ नाश्ते में, तो मैं नाश्ते में बनाए मैंने आलू के पराठे और वो धनिया और टमाटर की जो चटनी होती है लहसुन डाल के बनाते हैं वो बनाई। तो यहाँ हो रहा मेरा नाश्ता, तो सब लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, तो इधर पापा और मम्मी भी कर रहे हैं इधर वाले रूम में, तो उनको दे दिया। और यहाँ पर फिर अभी युवराज अपना, वो तो टीवी वाले रूम में ही करते हैं बैठ के, तो उनको टीवी देखते हैं तभी नाश्ता करते हैं, तो वो वहाँ बैठा कर रहा है। तो यहाँ बना और यहाँ पराठा बन गया मैंने और इसको दे दिया। तो इसकी अपनी क्लास चल रही है ऑनलाइन, तो क्लास भी लेता जा रहा है और अपना पराठा भी खा रहा है, तो वो ऐसे ही करता है, वो तो या तो टीवी देख के खाता है या तो फिर वो क्लास चल रही तो क्लास में ही ऐसे खाता रहेगा अपना। तो इसका नाश्ता भी हो जाएगा और क्लास भी हो जाएगी ऑनलाइन, उसके दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। और अभी मेरा मतलब मॉर्निंग में यही था, फिर मैंने दोपहर का खाना भी तैयारी करती जा रही हूँ, साथ में खाने की भी तैयारी हो गई और खाना नाश्ता सब साथ में हो गया, बस रोटियाँ सेकने के लिए रह जाती हैं। तो मैं बस रोटियाँ की थोड़ी देर में सेक लूँगी, बाकी सब्जी वब्जी सब सारा सब कुछ बन गया, तो फिर यहाँ पर मैं सेक लेती हूँ पराठा। और हस्बैंड भी आ गए थे तो मैंने उनको भी दे दिया था, और फिर उसके बाद मैंने रोटियाँ सेक ली थी। तो फ्रेंड्स आज 2 दिन में तो अच्छी धूप निकल आई थी और कपड़े भी सारे सूख गए थे। तो अभी यहाँ बज रहा है शाम ही है हम लोग के लिए, रात हो जाती है, हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं इसलिए। तो अभी बज रहा है 8:30 और अभी मैं बैठी थी आपके बिस्तर में, हस्बैंड भी मेरे बैठे हुए और यहाँ इवराज कर रहे हैं ये ब्रश, क्योंकि उन्होंने खाना खा लिया और ब्रश कर रहे हैं, तो ये सोने की तैयारी कर रहे हैं इसलिए ब्रश करते हैं, ये सोने में करते हैं और ये सुबह नहीं करते, और सुबह उठ कर ये करते हैं इसीलिए, ये शाम को करके लेट जाते हैं। मैंने सुबह किया था, बस ऐसे ही पानी से खुला कर लेते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ दोनों टाइम बेटा ब्रश किया करो, लेकिन वो एक ही टाइम करता नहीं करता है। लेकिन भैया आप सभी लोग अपना डेली क्या करें सुबह शाम, लेकिन ब्रश क्या है कि मेरे तो दांत में वैसे भी प्रॉब्लम है, दर्द होता है, कहीं कीड़ा भी नहीं समझ में आता है और दांत में अक्सर दर्द होने लगता है कभी भी, या तो मुझे लगता है गर्म चाय में ज्यादा पीती हूँ उस वजह से हो जाता है, और चाय भी ज्यादा पीती हूँ भाई, महिलाओं को चाय तो तो अभी मैंने कम कर रखी है जब से गैस बनी है, तब से मैंने चाय कम कर दी। अभी मैं इस टाइम तो वैसे कम ही पी रही हूँ, और कल है 26 जनवरी
और रिपब्लिक डे है, तो आज है 25 जनवरी। तो आज मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूंगी, और फ्रेंड्स तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो लेकिन मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।